कांकेर जिले में खस्ता हाल सड़क को लेकर मोहल्ले वालों ने किया चक्का जाम। कांकेर शहर की जर्जर सड़कों से उड़ती धूल ने बारिश थमते ही लोगों का घर से निकलना बेहाल कर दिया है। सड़कों की जर्जर हालत से परेशान लोगों ने अब इसको लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। शहर के गौरवपथ में स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया है। गौरव पथ का इस्तेमाल मिनी बाईपास के रूप में सालों से किया जा रहा है, जिससे यहां के सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वही शहर को ट्रैफिक से राहत दिलाने बनाया जा रहा बाईपास का 6 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। गौरव पथ शहर के सेन चौक से लेकर अन्नपूर्णा पारा होते हुए बर्देभाटा तक बनाया गया है, जो कि घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में इसका उपयोग मिनी बाईपास के रूप में करने से हादसों का भी खतरा बना रहता है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़कों की उड़ती धूल से न केवल मार्ग से गुजरने वाले लोग बल्कि इस सड़क के किनारे रहने वाले लोग भी खासे परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और सड़कों की मरम्मत के साथ भारी वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग की है। फिलहाल इस मार्ग पर कई घंटे से आवाजाही बंद है। चक्का जाम किया गया था आज पूना पारा के गौरव पथ के रोड में, जहां पर अभी तहसीलदार सर के आए थे यहां पर, और हम सब मोहल्ले वालों को आश्वासन दिए कि ये 15 तारीख तक का रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा करके। उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक रोड का काम जो डामर का काम होता है वो बंद रहता है, तो 15 तारीख से वो काम शुरू हो जाएगा। अगर काम शुरू नहीं होता है तो हम वार्डवासियों द्वारा 16 या 17 तारीख को फिर से इतना बड़ा इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि इस रोड के कारण अब जो स्थिति ये आ गई है कि जो ट्रकें चलती यहाँ से, उससे जो रोड पे बना हुआ गिट्टी, रोड से गिट्टी जो उछल उछल कर लोगों के सिर में हाथ पैर में पड़ना शुरू हो गया। कुछ गाड़ियां चलेंगी आज? अभी तहसीलदार साहब तो बोले हैं कि इस रोड में आज गाड़ियां नहीं चलेगी, और हम लोगों का मांग है कि अगर अभी इस स्थिति में गाड़ियां चलेगी तो कल से चले, लेकिन वन वे चलेगा। ये इस आंदोलन लगातार वार्डवासी आवाज उठाए हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी चलते हैं इस रोड में, अधिकारी भी चलते हैं, क्या कारण मानते हैं रोड क्यों नहीं बन पाता? ये रोड जो है ये तीसरी चौथी बार है अभी, कम से कम हर 5 महीना 6 महीने में रोड खराब होता है और गुणवत्ता ही रोड बनता है। यहाँ प्रशासन या जो PWD द्वारा जो बनाया जाता है वो लोग भी ध्यान नहीं देते, ठेकेदार के माध्यम से ही बनाते हैं रोड। कुल मिला के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है रोड? हाँ, ये रोड तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, लगभग 4 से 5 बार हो गया। रोड को लेकर के प्रदर्शन हुई है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ के रोड में कोई गुणवत्ता नहीं आई है, और धूल दूषित और उबड़ खाबड़ होने के साथ मोहल्ले वासियों को कुछ परेशानी अवश्य हुई होगी, और इससे व्यथित होकर के आज रोड प्रदर्शन किए थे, जिसमें प्रशासन की तरफ से यहां आकर के जिनके ज्ञापन लिए हैं उनका कहना है कि ये जो रोड है वन वे किया जाए और इसको गुणवत्ता के साथ यहां का रोड का निर्माण किया जाए, ताकि यहां के मोहल्ले वासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त कर ली गई है, उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाता है, और आज यहाँ वन वे दोनों साइड से गाड़ियां चलने के लिए चर्चा हुई है, और इनके जो भी मांगे हैं उनको तो हम आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि ये इनकी जो दिक्कतें हैं वो पूरी। आज रोड में गाड़ी चलेंगी कि नहीं चलेंगे? आज इनका मांग है कि आज गाड़ी मत चलाएगी। हाँ, इसमें भी क्योंकि अभी जो है नवरात्रि के समय है और एक साइड बंद कर दिया जाना, और शहर के भौगोलिक की स्थिति वन वे एक ही साइड में चलने के लिए अभी सुगम नहीं है, इसलिए चर्चा की गई थी वन वे एक साइड से आने और जाने के लिए अलग अलग दोनों रोड से चलाया जाए, सब व्यवस्था कर रहे हैं। गाड़ी चलेंगे पानी में डालने की बात हुई, पानी के लिए भी हम बताएंगे डालने के लिए पूरा पानी करवाएंगे। चल चल हटा।